हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग आप सबको। और दोस्तों, आज जो मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो आपके लिए। तो आज मैं फिर से जा रहा हूँ बाजार, क्योंकि आज मुझे एक केक ऑर्डर करना है, क्योंकि आज मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ की एनिवर्सरी है 20 वाली, जो कि 20 कम्प्लीट हो गई है। और मैं आपको मिलता हूँ करंट लोकेशन पे, क्योंकि अभी हमें तेल भरने भी जाना है। और मिलते तो बने रहे ब्लॉग पे हमारे साथ। मैं यहाँ पे आया था केक ऑर्डर करने, जो कि यहाँ केक जो है कल बनेगा, क्योंकि आज अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद जो हम जाने वाले हैं दूसरी शॉप पे, क्योंकि अब हम ऑर्डर करने वाले हैं दूसरी शॉप पे। तो मिलते हैं उसी लोकेशन पे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ दूसरी शॉप पे। जैसा कि आप मेरे बैक साइड देख सकते हो, मैंने जो है केक वगैरह ऑर्डर कर लिया है। और इन्होंने मुझे बताया कि 3:30 बजे तक केक रेडी हो जाएगा, 3:30 या 4। और अभी मेरे साथ भी बैठा है केतन बैठा है, क्योंकि अभी हम चाउमीन खाने बैठे हैं यहाँ। और उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि केक बनने में भी अभी बहुत टाइम बचा है। तो अभी हमारा जो प्लान है वो क्या बनता है अभी देखते हैं। और बाज़ार में भी आज रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज सोमवार है। और आज हमारे जो शिव मंदिर में भी रश बहुत ज़्यादा था। और अभी हमारा ऑर्डर आने वाला है थोड़ी देर में, 2 हाफ चाउमीन। और अभी जो हम बैठे हैं करंट लोकेशन, अभी हम बर्ल पे बैठे हैं अमर टैक्स के पास। और थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से। जो है गिफ्ट अभी अंजू सोच रही है, वो मुझे फ़ोन करेगी, और उसके बाद ही मैं गिफ्ट वगैरह परचेज करूँगा। तो हमारा जो है ऑर्डर आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हो चाउमीन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमने खा लिया है और तीखा भी बहुत ज़्यादा है। अब अभी हम खा लेते हैं और बने रहे हमारे साथ ब्लॉग पे। और खाने का भी बहुत मज़ा आया। और ये मेरा फ्रेंड मिल गया है मेरे को। और कहाँ जा रहा मेरे भाई? और जो ये मेरा फ्रेंड बहुत बचपन का था, जो कि मुझे 2-3 साल बाद मिला। और ऐसे ही फ्रेंड मेरे बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, 5-6 साल हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि जो गिफ्ट लेने आऊँगा मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि अभी जो हमें थोड़ा पसंद भी नहीं आया है। और तो मैं जो अभी घर वापस आ गया हूँ, क्योंकि केक वगैरह जो गिफ्ट वगैरह हमने पैक करवाने दिए हैं वो हम शाम को लेंगे, क्योंकि उसमें अभी टाइम लगेगा। आप देख सकते हो, मैं जो ये मेरे घर की पास की लोकेशन है, घर के साथ वाली शॉपें हैं। और अभी मैं जाऊँगा घर, क्योंकि 3-3:30 बजे मैं आऊँगा वापस, क्योंकि जो मुझे केक वगैरह है वो मैं लेके आऊँगा। तो आप बने रहे मेरे साथ ब्लॉग पे। तो दोस्तों, मैं जो हूँ शॉप पे आ गया हूँ, क्योंकि ये हमारे दादा की शॉप है, जो कि हमारे जो मैंने आपको पीछे बताया था, जिस दादा की डेथ हो गई थी, उनके मेरे दादा के भाई हैं, जो कि ये भी मेरे दादा है। और ये दुकान है कॉलेज के बिल्कुल सामने ही। और ये बैक साइड देख सकते हो आप, ये मेरे चाचू है। और जैसा कि आपको मैंने पीछे वाले ब्लॉग में भी बताया था, जो कि धान की रुपाई वो चाचा वगैरह की ही थी। और यहाँ मुझे ये काम है, क्योंकि यहाँ मुझे लाल मिर्च लेनी है, और अभी मुझे देने वाले हैं चाचू लाल मिर्च। और 20 रुपये की अभी जो मुझे मिर्च चाहिए, अभी 20 की ही चाहिए, क्योंकि अभी मुझे इतने की ही लागत है, इतने की ही ज़रूरत है। और जैसा कि आप देख सकते हो, चाचा वगैरह ने जो मेंटेनेंस की है शॉप की, बिल्कुल एकोरेट की है, बिल्कुल अच्छी डेकोरेशन की है, क्योंकि ये हाल ही में ही 6-7 महीने हुए हैं दादा वगैरह को शॉप को मॉडिफाई किए, क्योंकि पहले जो है एक ही स्पेस था इस दुकान में, अब जो है 3 स्पेस की कर दी है। 3 स्पेस का मतलब एक ही हॉल बना दिया है, और अच्छे से जो है सामान लगवा दिया है। तो दोस्तों, सामान जो है हमारा तोल दिया है, अब जो है मैं लेने जा रहा हूँ। अब जाऊँगा मैं सीधा घर, और घर के बाद आना है मुझे केक लेने। तो बने रहे हमारे साथ ब्लॉग पे। मैं पहुँच चुका हूँ कॉलेज स्कूल ग्राउंड में, जैसा कि आप देख सकते हो इधर उधर। और थोड़ी देर में घर पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ सामने मेरा घर है। और अभी मुझे थोड़ी देर में वापस भी जाना है, क्योंकि केक का ऑर्डर थोड़ी देर में बन जाएगा। थोड़ी देर अभी घर पर रेस्ट करूँगा। और मैं जो निकल चुका हूँ केक लेने, और आप देख सकते हो मेरे बैक साइड अंजू भी आ गई है। और अब हम जाएंगे बाजार, और फिर आएंगे हम पार मुमेल, जहाँ की अंजू का घर है, और अंजू भी आ रही है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे करंट लोकेशन, जहाँ की मुझे केक लेने जाना है। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, और पुलिस वगैरह भी नीचे को जा रही है। और क्यों, जो कि मैं अभी करंट लोकेशन पे खड़ा हूँ, यहाँ के लिए बोलते हैं बरल, क्योंकि आज की यहाँ एक सैड न्यूज़ है। और यहाँ एक 35 वर्षीय व्यक्ति, जो कि फ़ौज से
छुट्टियां मनाने के लिए घर आए थे यंग ही, और यहाँ उनका घर था नीचे, जो कि उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उनको जो है करंट अचानक से लगा गया है, और उनके जो है फैमिली वाले आ चुके हैं और पुलिस वगैरह आ चुके हैं, और पुलिस अभी छानबीन करने वाली है। तो ये रही करसो की आज कुछ सैड न्यूज़। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ बेकर्स के पास, जहाँ मैंने सुबह ऑर्डर दिया था केक का, और जो भैया अभी देखने वाले हैं हमारा ऑर्डर, क्योंकि जो मैंने इनकी वाइफ को सुबह ऑर्डर लिखवाया था, और अभी थोड़ी देर में भैया देने वाले हैं हमारा ऑर्डर, और हम देख सकते हैं हमारा जो केक है कैसा बना है। और अभी गए हैं भैया अंदर, और पैसे वगैरह जो है हमने 200 रुपये सुबह दे दिए थे, बाकी जो अभी दे दूँगा मैं। केक जो है रेडी जो होके आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो चॉकलेटी फ्लेवर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर की ओर वापस, अब थोड़ी देर में मिलेंगे घर पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम जो है घर की ओर निकल पड़े हैं, और हम जो है रास्ते में पहुंच चुके हैं, और ये है मुमेल घाटी का जो व्यूज़ है, जिसका मैं जिक्र हर व्लॉग पे करता रहता हूँ, मुमेल का शिव मंदिर के आसपास का। और मक्की तैयार हो चुकी है इस बार की फसल हमारी, जिसे हमारी भाषा में छल्ली कहते हैं। और ये अंजू का घर रहा सामने, हमारा ससुराल, और ये है इधर उधर का यहाँ का आसपास का व्यूज़, जो कि इस प्रकार से है, बिल्कुल हरा भरा है आजकल। और हम पहुँचने वाले हैं घर के पास, और हमें यहाँ रास्ते में मिल गए नन्हे नन्हे बच्चे, और अब हम घर में होने वाले हैं एंटर, मिलते हैं थोड़ी देर में। आप देख सकते हो मेरे सामने अंजू जो है क्रिकेट खेल रही है और मुझे बता रही है, क्योंकि जो शादी के बाद इसने पहली बार क्रिकेट खेला। और जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। अब चलेंगे हम अंदर की ओर। दोस्तों मैंने जो है गिफ्ट परचेज कर लिया था, जो कि मैंने आपको अब दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं गिफ्ट परचेज किया वो है ये वॉल वॉच, और इसे जो है अंजू अभी गिफ्ट रैप करने वाली है। और ये साथ में अंजू ने लाया है बादाम और काजू का बिस्किट, कुकीज़ बिस्किट, ये फैमिली पैक है 120 रुपये का, और मिलेंगे थोड़ी देर में। और ये कुछ एप्पल्स वगैरह काटे हैं अंजू ने खाने के लिए, तो मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ किचन में, क्योंकि जो आज मम्मी ने खाना बनाया है एनिवर्सरी का वो देखने के लिए। तो ये बना है मटर पनीर, वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा बना है। और नेक्स्ट बना है मिक्स वेज सब्जी, जो कि चपाती के लिए बनी है। और क्या बना है, और बनी है कड़ी, जो कि लोकल लस्सी से बनाई है मम्मी ने। और नेक्स्ट बनी है खीर, जो कि आप देख सकते हो। तो केक जो है हमने लगवा दिया, अब हम लगाएंगे इसमें कैंडल, और फिर हम काटेंगे केक मम्मी पापा, और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों केक वगैरह जो है कट कर लिया था, क्योंकि जो मेरे फ़ोन में बैटरी है वो बहुत कम हो चुकी थी, ये ऑफ हो चुका था, और मैं उस पॉइंट को शूट नहीं कर पाया। और क्योंकि आज जो मैं वीडियो एंड यहीं करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आज दुखद की बात तो ये रही, क्योंकि आज बरल में जो एक युवक 35 वर्षीय फौज से घर आए थे, जो कि मुझे आसपास से पता लगा, जो कि उनको वहाँ पे करंट लगा गया अचानक से ही, और उनकी जो है मौके पर ही डेथ हो चुकी थी। और तो कुछ आज मैं व्लॉग को अपना पूर्ण विराम यहीं देना चाहता हूँ, व्लॉग का एंड यहीं करना चाहता हूँ। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो और शेयर कमेंट लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे।